हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो माई गोव की साइट पे गवर्नमेंट के द्वारा हर स्टूडेंट के लिए दिया गया है। जो स्टूडेंट नेट पे सर्च करते हैं या नेट पे अपना वो सारा दिन स्पेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही बेहतर है। और ये जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सभी स्टूडेंट को या इंडिया के लोगों को डिजिटल बनाने के लिए जो तरह तरह की स्कीम निकालती है उसका ये एक नमूना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है रहा ऑनलाइन सुविधा नारदीगंज, और इस पे जो भी वीडियो आपको मिलती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, शेयर करें, लाइक करें अच्छा लगे तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो अब हम आपको मेन मुद्दे पे लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है एसी राइटिंग के लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है माई गॉव जाकर के आप सर्च करेंगे तो मेरी सरकार की साइट है, बहुत ही पॉपुलर साइट है, और इस साइट पे आएंगे तो इस साइट पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। सबसे पहले तो मैंने अभी अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, आप देख रहे हैं ऑनलाइन सुविधा, मैंने अपने आप को रजिस्टर किया है। वैसे ही आप भी रजिस्टर करें, आपके नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आप सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस साइट पे हो जाएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे इस साइट पे। तो आपके साइट पे लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जो सिलेक्ट ग्रुप है ग्रुप में सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको टास्क मिलेगा। यहाँ पे दूर देखेंगे, दूर के अंदर टास्क में हम सबसे पॉपुलर और ओपन साइट में देखेंगे तो ICWA निबंध लेखन यदि चल रहा है आप यहाँ पे देखेंगे। और इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो ये लिंक ओपन होकर कुछ इस प्रकार से आएगा, ICWA निबंध लेखन प्रतियोगिता 2018। आप यहाँ पे से रीड करेंगे कि भारतीय विदेश नीति पर जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ये मेरा टास्क है, क्योंकि हर जो आप लॉगिन करते हैं तो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग टास्क मिलता है। तो यहाँ पे 15 से 18 और 18 से 25 और उनके स्कूली छात्र के लिए इतना, और स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 18 से 25 वर्ष का जो हमें जो सब्जेक्ट दिया गया वो कुछ इस प्रकार है कि इस वर्ष युवा लेखकों को निम्नलिखित विषय पर अपनी नई सोच का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है, और भारत की विदेश नीति के लिए जलवायु परिवर्तन का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है। हमें एक टॉपिक दिया गया है कि भारत की विदेश नीति के लिए जलवायु परिवर्तन का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, 1500 शब्दों में दिया गया है। तो सीनियर स्तर जो 18 से 25 वर्ष के एज के बीच है उन्हें 2500 शब्दों में देना है, और पुरस्कार जो रखा गया है जूनियर स्तर के लिए 15,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, 10,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार और 5,000 रुपये तृतीय पुरस्कार। इस प्रकार से पुरस्कार है जूनियर स्तर पे, और सीनियर स्तर पे जो प्रथम पुरस्कार है वो 25,000 रुपये का है, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये का है, तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये का है। और आपका जो ये जमा करने का जो ये तिथि है, अंतिम तिथि वो 30 जुलाई 2018 का रखा गया है। तो 30 जुलाई 2018 तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और आप इसमें ऐसी राइटिंग कर करके अपना लक आजमा सकते हैं, तरह से आप लॉटरी कर सकते हैं कि अगर आपका ऐसे अच्छा हुआ, गवर्नमेंट ने अगर इस ऐसे को लाइक करा तो शायद आपके लिए पुरस्कार बनता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से आप जो है अपना इसमें सारा कुछ प्रक्रिया करके जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से फॉलो करें। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके बताएं, हमारी जहाँ तक नॉलेज होगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करिए, एक तरह का एक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, आपके नॉलेज का एक जांच करने का एक मानदंड का वो स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने आप को आजमा सकते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे लिंक देता है कि दो जिस टास्क ना हो, जिस टास्क ना हो पर हम दू करते हैं, देखिए हम करके आपको दिखाते हैं। लिंक खुलने में थोड़ा सा स्लो है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे रहा है ऑल कमेंट्स और माई सबमिशन मेरा खुला हुआ, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से फिर कार्ज कर दिया गया है, यहाँ से कार्ज करने का वो दिया गया है, जैसे भी लिंक घूम रहा है अभी, तो जैसे ही लिंक स्टार्ट होता है तो यहाँ से आप लिंक पे क्लिक कर करके और अपना जो एसी राइटिंग का जो वर्क है वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो लिंक खुल करके आया है, इसमें सबमिट टास्क है, माई सबमिशन है, तो इस तरह से आप इसे लिंक करिए, फॉलो करके देखिए, और मुझे जानकारी मिला तो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया, और आप भी इसे देखिए, सर्च करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है, ये हमारे फायदे के लिए है, तो आप इसमें थोड़ा सा अपना समय दीजिए, अपने ज्ञान को चेक करिए, और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़िए दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।